Happy Holi! Hey everyone, welcome back to my channel. Wish you all a very happy Holi. और होली है तो गुजिया ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका दिखाऊंगी गुजिया बनाने का। तो सबसे पहले एक परात में मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और उसके साथ यहाँ पे मैंने 4 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है, इसका मोयन तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड किया था और ये देखिए हाथों को इस तरह से मसलते हुए आप इसको अच्छे से आटे को मोयन लगा लीजिए। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, आप इसमें एक साथ ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ही आप इसको एक अच्छा ऐसा डो तैयार कर लीजिए। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए डो, थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1/2 कप पानी मैंने यूज़ किया है आटे को गूँथने के लिए। आटे को थोड़ा सा टाइट रहने दीजिए इस तरह से और ऊपर से थोड़ा सा और घी आप ऐड करके इसको थोड़ा सा और मसल लीजिए करीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, और इसे आप सेट होने के लिए रख लीजिए। तो 15 से 20 मिनट आप इसे सेट होने के लिए रख लीजिए, तब तक चलिए हम लोग स्टफिंग बनाते हैं इसकी। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में सबसे पहले मैंने मावा ऐड कर दिया है। मावा को थोड़ा सा हमें भूनना है, तो मावा में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, आप इसके मॉइस्चर को अच्छे से भून के इस तरह से सुखा लीजिए। जैसे ही मावा इस कंसिस्टेंसी में आ जाए आप इसको निकाल लीजिए पैन से, ये देखिए। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी मैंने और ऐड कर दिया है, इसमें मैं थोड़े से कैशियोस, थोड़ा सा आलमंड्स, थोड़े से पिस्ता, ये देकर मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे ही नट्स आपके थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अभी सेम घी में ही मैंने थोड़ा सा रवा ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मावा और 1/2 कप रवा लिया है। रवा को भी मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। थोड़ा सा जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हो जाता है यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट है वो ऐड कर दिया है, ये देखिए। इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें अच्छे से भून लूँगी और ये देखिए हमारे फ्राई किए हुए मावा और नट्स एकदम तैयार है। तो मैं अभी क्या करूँगी, मावा को इसमें ऐड कर दूँगी। तो मावा को ऐड करते वक्त आप ज़रूर फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। थोड़ा सा मावा मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पे नट्स ऐड कर दिए हैं, साथ में थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर है वो ऐड कर दिया है। तो शुगर ऐड करते वक्त आप ज़रूर ये ध्यान रखिए कि फ्लेम आपका ऑफ़ हो और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, तो स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आटा भी मेरा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। इसको मैं एक बार और अच्छे से मसल लूँगी और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए एक लोई मैंने इस तरह से ले ली है, इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है और यहाँ पे इसको अगर आप चाहें तो इसको आप कट कर सकते हैं। तो मैंने एक कट करके इस तरह से भी बनाया है तो आपको एक अच्छा शेप भी मिल जाएगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं कट करके बनाना तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बेलते हुए भी आप इसको नॉर्मल सा, मतलब आपको जितना साइज़ चाहिए आप उस हिसाब से आप उसको बेल सकते हैं। उसी में आप थोड़ा सा ये देखिए पानी मैंने लिया है, पानी को आप ऐसे साइड से इसको चिपकाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इसको आप साइड से इस तरह से लगा लीजिए और बीच में आप अपना जितना स्टफिंग आपको चाहिए उस हिसाब से आप स्टफिंग ऐड कर दीजिए और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और प्रेस करते हुए कॉर्नर साइड से इस तरह से आप इसको प्रेस कर लीजिए। और इसको आप एक अच्छा शेप देने के लिए ऐसे फॉर्क की मदद से आप इसको ऐसा एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसमें आपको मोल्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से बिना मोल्ड के भी तैयार कर सकते हैं और अच्छी सीलिंग भी इससे बन जाती है, ये देखिए एकदम अच्छा सील हो गया है। तो इस तरह से सारे गुजिया मैंने बना के रेडी कर दिए हैं। अभी मेरा तेल अच्छा गर्म हो गया था तो तेल को आप ज़रूर मतलब अच्छे से पहले हॉट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको मीडियम टू लो फ्लेम में ये गुजिया आप एक एक करके सारी ऐड कर दीजिए। जितनी आपकी पैन में जगह है उस हिसाब से आप इसको ऐड कर दीजिए और दोनों साइड से आपको इसको इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना होता है। तो गुजिया को आप हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम में ही तलिएगा तो इससे अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आता है, अंदर से भी बहुत अच्छे से ये सिक जाते हैं। तो ये देखिए गुजिया एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छा क्रिस्पी करारा। इसे मैं अभी एक प्लेट में निकाल लूँगी। Krishna Divine, Krishna Divine.
I just wanna eat it.
सो गाइस, ये था मेरा आज का बहुत ही मस्ती भरा फन होली ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ये ब्लॉग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ज़रूर लाइक प्रेस कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपने किस तरह से सेलिब्रेट की अपनी होली। और मैं मिलूँगी आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग में। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज़।